तो इस समर आपने कोई ट्रैवलिंग की थी? Traveling? Traveling, yeah. इस समर? नहीं, इस समर मैंने traveling किया. So, what were your plans? What did you have in store? I mean, were you just working all time around? नहीं, इस समर I was working actually. There were a few things going on. Family की कुछ एक दो चीजें ऐसी चल रही थी. मैं घर shift किया इस समर में. So, that was also a big task for me. तो इस समर में मैंने कुछ नहीं किया. But usually, we do plan something for the summers. Or we make sure कि हम कहीं ना कहीं जरूर जाएं. चाहे बेशक पाकिस्तान के अंदर हो, बाहर हो, but we do travel. So, what about winter vacations? I know कि आपके, you know, babies भी हैं, kids हैं, तो उनकी winter vacations आएंगी, तो do you have any plans for that? Winter vacations are a big no for people with small kid children. People who have slight throat issues like me, वो asthma वाला. So, winters is a big no for us. हम winters में कुछ plan नहीं करते. So, वाइस के कि हम सुकून से घर में बैठेंगे एंड दैट्स इट. एंड बिसाइड्स बच्चों की छुट्टी ज़रूर होती है, बट हम तो वर्किंग है. हमें इस तरह से समर्स में विंटर्स में बार बार ब्रेक पॉसिबल नहीं होता कि मिले. एंड लास्ट ईयर मैंने बहुत ट्रैवल किया, तो उसकी वजह से मेरी कुछ छुट्टियां जो हैं वो मेरा ख्याल है मैं सारी खा चुकी थी पहले से, इसलिए आई डिड नॉट हैव एनी टाइम ऑन मी एनीवे. अच्छा, तो वेयर डिड यू ट्रैवल लास्ट ईयर? लास्ट ईयर आई स्टार्टेड माय ईयर विद उमरा. मैंने उमरा किया और मैं उमरा से जब वापस आई तो उसके प्रॉब्ली एक महीने के बाद आई वेंट टू टर्की. वो एक बड़ा अच्छा ट्रिप एक महीने का वहाँ पर. फिर उसके बाद व्हेन आई केम बैक तो समर्स में वी वेंट टू दुबई. व्हिच वाज अ बैड आइडिया एक्चुअली, क्योंकि गर्मियों में हम दुबई चले गए. बट नहीं, बट वी स्टिल हैड फन. बच्चे थे, मेरी बेटी को बहुत शौक था दुबई जाने का. एक्चुअली आई वाज बॉर्न इन दुबई, तो वो एंड स्लाइट कुछ बचपन का हिस्सा दुबई में गुजरा भी है. तो वो स्टोरीज सुन सुन के मेरी के जी मामा वहाँ होती थी, स्कूल जाती थी, तो उसको बड़ी फैसिनेशन थी दुबई के साथ कि मुझे दुबई देखना है. सो वी टुक हर. हैड अ गुड टाइम. गर्मी थी ज़रूर थी, लेकिन यह है कि हम 4 बजे तक होटल में रहते थे, उसके बाद हम फिर बाहर जाके खूब घूमते थे. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू मैनेज बीइंग अ मॉम एंड ए यू नो न्यूज़ एंकर और अ पॉलिटिकल टॉक शो होस्ट एट द सेम टाइम? बीइंग अ मॉम इज टफ. इट्स अ फुल टाइम जॉब विद टू चिल्ड्रन. मेरी बेटी 6 साल की है और बेटा मेरा अभी अब 3 साल का होने वाला है. तो मतलब विद टू स्मॉल किड्स इट इज़ डिफिकल्ट. लेकिन यह है कि व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरी बेटी हुई, तो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने एक बात कही थी कि कुछ लोग मशवरा देते हैं कि बच्चा हो गया है तो इसको अटेंशन दो, स्टॉप वर्किंग. कुछ कभी कभी इंसान खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि एक बड़ी टफ रूटीन है, मैंने बच्चा हैंडल करना है, मैंने ऑफिस हैंडल करना है, तो अपने जहन में भी आता है कि शायद ये बच्चा निगलेक्ट हो रहा है, आपको गिल्ट भी होती है. तो नेवर लेट दैट फीलिंग गेट इन और क्रीप इन एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू वर्किंग. क्योंकि योर मॉम, आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट दिस बेसिकली मींस दैट योर मॉम, योर मदर इन लॉ वाज सुपर सपोर्टिव. एंड मेरी अम्मा अब्बा तो खैर ऑब्वियसली they were supportive, but अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जो parents in law हैं वो भी, आपको पता है, घर की support, husband की support, in-laws की support, जो उस घर के बड़े हैं, उसके बगैर आप नहीं कर सकते. एक tension, एक stress अगर घर में हो, आप कितना भी चाहें आप perform नहीं कर सकते. तो मुझे आंटी ने ये कहा था कि always keep that in mind कि ये 3 साल की होगी, ये स्कूल चली जाएगी, कुछ 2 साल और गुजारेगी, इसका अपना फ्रेंड्स का सर्कल हो जाएगा, इसकी अपनी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, ये तो स्कूल के बाद जो कुछ करना है करती रहेगी, तो मैं एक हाउसवाइफ बन जाऊंगी. यू बी यू नो, आप लेफ्ट आउट हो जाएंगी अपनी करियर के अंदर, आप लेफ्ट, बल्कि फॉर दैट मैटर मेरी बेटी जो है वो बिल्कुल कुछ महीनों की थी, तो मैंने एम फिल किया. आई स्टार्टेड गोइंग टू द यूनिवर्सिटी ऑल्सो आफ्टर आई गॉट मैरिड. तो मैंने वो भी हैंडल किया बच्चों के साथ. इसके अंदर ये जरूर है कि आई डोंट से कि मैं कोई, आई एम अ सुपर वूमन, आई डू इट ऑल बाय माय सेल्फ. आई थिंक यू आर. आई मीन आई थिंक वुमेन इन पाकिस्तान हु आर यू नो वर्किंग and studying and raising a family at the same time are just super women. And no, but ghar se support ki bhi again baat hai. My mother is very very helpful with children. Matlab mere bacche jo hai wo meri amma ki support ke bagair main bade nahi kar sakti thi is tarah se. Wo kehte hai na ki it takes a whole village to raise a child. Yeah. Right, so yeah. I'm glad you have a very strong village. Alhamdulillah. So let's discuss a little bit more about your show, which is News Talk on Neo. Yeah. Neo TV. And I've seen a few episodes of it, and oh my God, is it overwhelming? It is. Oh my goodness, really, it's just in a good way. Yeah, it's in a good way. I'm you know an aspiring anchor as well, so it just like you are an inspiration that I look up to. So main kabhi kabhi sochti hu ki main situation mein hoti to I would not have handled it. No, no way. You are not an aspiring anchor. You are an anchor, mashallah, and you're doing a good job also. So mera khayal hai once you're in a situation, then you also wo ho tarika pata chal jata hai deal karne ka bhi. So hota hai. I okay, know. So let me just quickly introduce to the audience, yeah, that I am sitting here with Ms. Yashfeen Jamal, who is the host of News Talk on Neo TV,
And welcome to Sundown. I'm super excited. We're sitting at Tangelos and I have a very delicious dish for you. Yes, I'm seeing something. And yeah. It's going to be burping. So, if you have tea, no tension. No tension. No tension. Okay. That's great. Okay, so let's go back to the conversation. We were talking about that you were managing your family and you were managing working at the same time. So, your show jo hai, it's usually on the weekends. Yeah. And so, weekdays, mein you give time to your family. And even on the weekends, you're able to, you know, give time to your family. It's not that, you know, it's work and family. Achha, we are in a very interesting field of work. Because kabhi-kabar to we are very relaxed. Jaise bhi aapne kaha ke, that's true. Ke 4 din to main completely ghar hoti hun, weekdays. So, one reason of going down to the weekend was this. Ke I wanted to give time to my children also. Phir mere liye thoda sa us tarah manage karna bhi aasan hai ki beshak my mother is very supportive, mother-in-law supportive hai, lekin bacche bade ho rahe hain, unki ye requirement hoti hai ki parents saath hon. To is case mein ye hai ki weekends pe my husband is home, weekdays pe I am home, so at least one of them is with them all the time. To ye nahi hai ki wo hum dono ke bagair hote hain. It's a very unified family setup. Yeah. Matlab aapke you know, parents, dono parents bhi involved hai, parents ke sets, and then you're also involved, and then your kids are just, you know, so loved, mashallah. Field of work ke kabhi kabhar to ye waqai hota hai ki 4 din I'm home, so I'm home, I'm relaxed, I look after my children, unke kaam karo, school se pick karo, drop karo and all that. And weekends I go to work. Again, I prefer live show karna prefer karti hun. To 8 baje hota hai shaam ko. So main agar pura din bhi guzar ke chali jaun to matlab koi itna mushkil kaam nahi hai, I can manage. But kabhi kabhar aisa hota hai ki itna kuch ho raha hota hai ki you get to go for extra transmissions, aapko extra analysis ke liye office jana padta hai, aapko kabhi kabhar koi extra interview special mil jaye, aapko office jana padta hai, kabhi koi prime minister ki briefing hai, kabhi koi ISPR mein briefing hai. To matlab is tarah ki koi cheez kabhi kabhar aisa hota hai ki pura hafta without a break aapko kaam karna padta hai. To wo thoda sa unpredictable hai. Jitna easy going lagta hai, utna hi jab tough hone lage to phir tough bhi ho jata. That's overwhelming. Yehi to main keh rahi hu na ki when I see you on the big screen, I'm just okay overwhelmed ke, you know what you see, it's not just people on the television, it's not the anchor itself, it's not just the guest, it's not just what she's saying with the information that she's disseminating. It's also a lot of hard work that goes into the show. Aapko pura plan karna padta hai show from, you know, the start to the end. Naturally. So, I mean, it's just wonderful how you do it. Acha, moving on. Let's talk about any significant event in your career that kind of, you know, overwhelmed you at that time. Ke, you know, this is a little overwhelming for me. Main, how am I supposed to handle the situation? Like, this is like big. On air. In terms of this is big. Like on air. Situation aisi hogi. Yeah. I don't think so. Is tarah ka kabhi koi nahi hua. Koi breaking news, yeah, that you had to, you know, tell people of, or, you know, a natural disaster, like khuda na khasta koi earthquake aa raha hai and you know the whole table is shaking, the whole room is shaking. Nahi, wo to khair ek bahut interesting hua tha. It was not an earthquake actually, aur wo overwhelming isliye ho gaya tha ki we were doing, maine work news se shuru kiya tha aur main morning shows time pe karti thi, and zero point par office hai work news ka. It's a big building, aur hamara jo office tha, jo studio tha, wo 6th floor pe tha, so we were on quite matlab hum height pe the. And I still remember that I had Marvi Memon Saiba on the program. She's a very, very dear friend. And we program kar rahe the, all of a sudden we started feeling that kuch hil raha hai, zalzala hai. So first, I saw Marvi ki taraf, Marvi ne meri taraf dekha, humne lights ko dekha, to laga ke something's happening. So my producer ne mujhe talk back mein kaha ki lagta hai zalzala hai, but don't announce it yet. Don't say anything. Just try to carry on. Acha, theek hai, matlab we tried to control ourselves, ke darna nahi hai, zalzala hai, so abhi pata chal jayega thodi der mein. So he said ki main kisi reporter se ya news channel monitor karke dekhta hu ki koi khabar chalti hai ki nahi. After a minute or so he said ki nahi, koi khabar nahi chali, I don't know what was it, chalo forget it, don't say anything about it. Koi 4 minute guzre honge to hame dobara se bhai ek dobara ek chhatka laga. Jab dobara chhatka laga to maine to bada yun karke dekha ki matlab how are you saying ki ye zalzala nahi hai. So, उन्होंने फिर यही कहा, उन्होंने कहा don't announce it, we can't say anything until it's not confirmed. So, let me talk to somebody. एक दो लोगों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं जी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो कोई ऐसी बात नहीं है. अच्छा, 5 मिनट गुजरे तो दोबारा झटका लगा. जब तीसरी दफा झटका लगा तो मैंने बगैर पूछे कह दिया कि नाज़रीन, आई थिंक कि इस्लामाबाद में जलजले के झटके महसूस हो रहे हैं, पहले भी महसूस हुए थे. तो अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे. मालवी ने भी बीच में अपने दो अल्फाज डाल दिए कि अल्लाह खैरियत रखे, अभी हम पुराना भूले नहीं हैं, तो अल्लाह कोई आगे इस तरह का डिजास्टर ना हो. अच्छा, कोई 2-4 मिनट के बाद ब्रेक आ गई. जब ब्रेक आई तो मैंने प्रोड्यूसर को बड़े उससे कहा, मैंने कहा यार मतलब हद हो गई है, फील हो रहा है कि जलजला है, तो हाउ आर यू सेइंग कि अनाउंस ना करो, ये कौन लोग हैं जो नहीं चला रहे. हम बड़े परेशान. तो ब्रेक में दोबारा जब फील हुआ तो फिर हमने उठ के इंक्वायर किया कि क्या है, तो पता चला सड़क पे काम हो रहा था.
and there was those big excavators out there jo digging kar rahe the road ke andar aur uske jolt se kyunki hum bahut height par the to hum shake kar rahe the. Oh my God. तो अपने ओन पे डिसाइड किया कि नहीं मैं अनाउंस करूंगी और जिल्जला नहीं था. So basically you had to make sure that your facts and sources were legitimate, just like any, you know, report. That's the first truth. मैंने तो सिर्फ ऑन द फेस ऑफ इट जो चीज मुझे मिली उसको देखा और बगैर वेरीफाई किया जस्ट यू नो मैंने ऑन एयर कर दिया. सो दैट वाज अ लेसन लर्नड आल्सो कि नेवर एवर से एनीथिंग ऑन एयर अंटिल यू वेरीफाइड इट. ओह माय गॉडनेस. ऑलराइट, सो लेट्स टेक अ क्विक लिटिल पॉज फ्रॉम आवर कन्वर्सेशन. सो इट सीम्स टू बी वेरी इट इज एब्सोल्युटली फेनोमिनल. आई लव इट. आई कांट वेट टू डिग इन. सो बेसिकली व्हाट वी हैव इज एग फ्राइड राइस, ठीक है, एंड देन वी हैव ब्लैक पेपर चिकन. यम्मी. एंड सबसे पहले तो मैं बात करते हैं कि when you started out your career, हाँ जी, when you started out your career as an anchor, how supportive were your parents? Yeah, what did they think at first? I never thought I'll be an anchor. My family never thought ke mera koi media se sahafat se koi taluq kabhi ho sakta hai. Ji. I was a very vocal person when I was in school. Vocal ya confident aap mujhe keh lein ke debates mein hissa le rahi hu, school ke koi events hai unhe host kar rahi hu. बल्कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते थे जहाँ पे ट्रांसलेशन तलावत मैंने करनी है, उसकी ट्रांसलेशन मैंने करनी है, बाद में कहीं जाके उसको होस्ट भी मैंने करना है, किसी इन द मिडिल ऑफ समवेयर ऑफ दैट प्रोग्राम की छोटा सा डांस की परफॉर्मेंस है वो भी मैंने करनी है. सो आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग व्हेन आई वाज इन स्कूल. सो आई सॉर्ट ऑफ न्यू दैट आई हैड इट इन मी कि मैं कम से कम मैं ऑडियंस फेस कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ. मैंने पूछा था आपसे कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपका शो लाइव जाता है, सो कभी कोई इस तरह का वाक्या हुआ है कि यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू नो द कैमरा एंड कैमरे के पीछे कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है व्हिच इज ट्राइंग टू मेक यू ब्रेक कैरेक्टर, यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली कैमरा के व्हेन यू आर ऑन द कैमरा यू हैव अ पर्सोना दैट यू हैव टू मेंटेन. दैट्स नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल, बट आई एम स्टिल गोइंग टू टेल इट. फियर्स होते हैं हर इंसान को जिंदगी में कोई ना कोई. मुझे वैसे किसी चीज का अल्लाह का शुक्र है फियर नहीं है, बट आई एम स्केर्ड ऑफ कैट्स. आई एम स्केर्ड ऑफ कैट्स लाइक एनीथिंग. No. I can faint at the sight of a cat. और अगर मुझे पता लगे कि मेरे पास आ रही है फिर तो 100% faint ना, फिर तो कोई chance नहीं है. I love so cats. I am phobic. I think ये phobia है. मुझे fear से ज़्यादा मैं उसको phobia आप कहती हूँ. अच्छा, मैंने PTV में नया काम शुरू किया एंड आई डिड नॉट नो कि PTV के अंदर एक ये क्वालिटी एग्जिस्ट करती है कि वहाँ पे बिल्लियाँ खुले आम फिरती हैं. अच्छा, जब मैंने ज्वाइन किया और मैंने कहीं कॉरिडोर में देखना शुरू की तो कोई मेकअप आर्टिस्ट, कोई ऑफिस बॉय, किसी एक ऐसा इंडिविजुअल मैं पकड़ लेती थी जिसकी सख्ती रहती थी कि भाई मुझे वहाँ से वहाँ छोड़ाओ, वहाँ से वहाँ छोड़ाओ, कि अगर रस्ते में कहीं वो गली में बिल्ली हुई और कोई बंदा ना हुआ तो मेरा तो पता नहीं क्या बनेगा. सो अच्छा, मुझे ये पता था कि बिल्लियाँ हैं, ये नहीं पता था कि स्टूडियो के अंदर भी आ जाती हैं. मैं जो उनका PTV का जो चाली स्टूडियो है, सपोज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडियोज इन साउथ एशिया ऑल्सो, मैं वहाँ पर एक ट्रांसमिशन कर रही थी और ऑल ऑफ अ सडन कैमरा बहुत दूर, इट्स अ ह्यूज स्पेस, तो कैमरा काफ़ी दूर प्लेस हुआ हुआ था, जो मेरा कैमरा था जिसमें मैं दिख के बोल रही थी. तो मुझे ऑल ऑफ अ सडन फील हुआ कि फ्लिकर्स आके कोई चीज़ गुजरी है यहाँ से. जब मैंने यूँ करके देखा तो बिल्ली. अब वो बिल्ली मैंने देख ली और मुझे ये पता है कि वो चल के सीधा आ रही है उसकी तरफ, जो टेबल है उसकी तरफ. अच्छा, इंटरेस्टिंगली आई विल नॉट नेम द माई को होस्ट, जो मेरे साथ बैठे थे, उनको भी बिल्ली से फोबिया था. जब उन्होंने भी देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने यूं यूं करना शुरू कर दिया कि अब इसका क्या करें. अच्छा, मैंने कभी जिंदगी में प्रोग्राम्स के दौरान टेक्स्ट नहीं किया है. मैंने वहाँ से अपने फोन को ऐसे किया, उसको खोला, जो मेरी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बैठी थी उनको मैंने मैसेज किया देयर इज अ कैट इन द स्टूडियो. तो शी सेड सो व्हाट. मैंने कहा आई एम स्केर्ड, आई एम गोइंग टू स्क्रीम. जब मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्क्रीम तो उन्होंने कहा ब्रेक लो, फौरन से टॉक बैक ऑन हो गया. अच्छा, फौरन से हम दोनों ने एक सेकंड जाया किए बगैर नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, जो डिस्कशन हो रही थी उसको वहीं पर छोड़ा और फौरन से प्रोग्राम को वहाँ पे कट ऑफ किया. कट ऑफ करने के बाद माइक उतारा एंड आई स्ट्रेट रन आउट ऑफ द स्टूडियो. मैंने कहा इसको बाहर निकालें, स्टूडियो का दरवाजा बंद करें, मेक श्योर कि पीछे कोई जगह खुली नहीं है, वरना मैं वापस ऑन एयर नहीं जा रही. ऑल बिकॉज वन टाइनी कैट. सो वो जो इंसिडेंट है वो कभी नहीं भूलेगा मुझे जिंदगी में. मुझे बिल्ली से डर लगता है, मैंने लाइव ट्रांसमिशन में बिल्ली देखी और बिल्कुल कुछ मतलब ऐसे गज के फासले पर. इफ आई वर यू, मैं एक्चुअली कैट को उठा के ना अपनी गोद में बिठा के फिर पूरा शो कर लेती. आपकी क्या बात. जो लोग बिल्ली को उठा के गोद में रख सकते हैं मैं उनको सलूट भी कर सकती हूँ खड़े होकर.
आई एम स्केर्ड ऑफ कैट्स एंड आई डोंट देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट. एक होता है ना, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि बचपन में कुछ हुआ था, कोई इंसिडेंट, देयर इज नथिंग दैट आई कैन रिकॉल कि कुछ हुआ था, कोई बैड इंसिडेंट व्हेन आई गॉट स्केर्ड और समथिंग, बट आई एम स्केर्ड. My goodness, so you must believe in the black cat superstition as well? No. I am not superstitious, alhamdulillah, by nature anyway. But billi se dar lagta hai. Ab to wo halat aa gayi hai ki meri beti mujhe darati hai. Aur mujhe kehti hai, I can prank mama. Because when I say there is a cat, mama screams. Achha, so with reference to your kids, do they want any, you know, pets in the house? What are your views on pets? Mujhe ye batae. I'm not a very pet person. Basically, I'm not an animal friendly person. Billi se to mujhe phobia hai, but mujhe, I... बस दूर डिस्टेंस पे कोई भी चीज, दूर से बस प्यार करना. ऑल्दो वी हैव हैड डॉग्स इन आवर हाउस ऑल अलोंग, माय फादर इज अ ह्यूज डॉग लवर और बड़े अच्छे जर्मन शेपर्ड्स और बड़े अच्छे अच्छे ब्रीड के और बड़े वेल ट्रेन्ड हैं मेरे जो पापा ने रखे हुए हैं. बट अच्छा, आई थिंक बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि हमारे घर में रहे हैं, तो मेरी बेटी को भी डॉग्स का है. शी एट टाइम्स सेज कि आई वांट टू हैव अ डॉग फॉर अ पेट, एंड आई डोंट रियली माइंड हैविंग अ डॉग फॉर अ पेट, व्हिच इज वेरी वियर्ड कि मुझे बिल्ली से डर लगता है एंड आई एम फाइन विद हैविंग अ डॉग एट माय प्लेस. बट अदरवाइज अगर मुझसे पूछे तो नो, आई एम नॉट अ वेरी प्रो पेट पर्सन. आई वुड नॉट वॉन्ट टू हैव पेट्स इन माई हाउस. मेरा जो छोटा भाई है, उसको बहुत ज़्यादा, वो कुछ लोग होते हैं ना कि सड़क पे चढ़ पड़ी हुई भी कोई चीज़ ऐसी देख ले कि लगे कि ये ठीक नहीं है, तो घर ले आते हैं कि नहीं नहीं ये बिल्ली बीमार थी या ये परिंदा बीमार था, वो उस तरह का है. और उसको हमेशा से बहुत शौक है और वो आज तक इस बात पर वो करता है, इज्जत करता है कि ये इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता. मुझे तोता भी आप लोग घर में नहीं रखने देते, तो मैं उसको कहती हूँ कि कहीं दूर, मेरी नज़रों से दूर, जो मर्जी करो, लेकिन मेरे इलाके में नहीं छुपा लो, कहीं छुपा लो. सो आई, मुझे नहीं है, मैं ओके. हां चले, दैट्स ओके. सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट योर प्रोफेशनल करियर. नाउ व्हेन यू केम इनटू दिस इंडस्ट्री, इट वाज द ईयर ऑफ 2008, राइट? या आई स्टार्टेड मुझे रिहर्सिंग और ऑडिशनिंग end of 2007. All right. बल्कि मुझे याद है कि बेनजीर साहिबा की जब शहादत हुई थी, तो तब भी आई वाज, मैं रिहर्सल्स कर रही थी उस टाइम पे. सो बट देन आई गॉट ऑन एयर कुछ थोड़ा से वक्फे के बाद, तो स्टार्ट ऑफ 2008. सो इन दैट टाइम, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एज कंपेयर्ड टू नाउ? आई मीन, यू नो, that at that time we didn't really have that many female news anchors, and you or, you know, morning show hosts, or we didn't have the kind of television that we have today. So television utna flashy nahi tha at that time when I started. Utni hype nahi thi tv ki jab maine shuru kiya tha jitni ab hai. लेकिन मैं उसको किसी और चीज़ से एसोसिएट करती हूँ. मुझे लगता है कि टेलीविजन का जो मीडियम है या जो ब्रॉडकास्ट मीडियम है, वो शायद वहीं पर है. लेकिन जो हाइप है, वो इसलिए है कि कॉम्बिनेशन हो गया सोशल मीडिया का उसके साथ. बिल्कुल, उस टाइम पे वो नहीं था. अगर मैंने प्रोग्राम में कोई चीज़ कही है जी, आप क्या पसंद करेंगे? हाँ जी, तो जो बात मैं कह रही थी कि उस टाइम पर भी अगर मैंने प्रोग्राम में कोई चीज़ कही है जो इंटरेस्टिंग है, जो मे बी किसी को अट्रैक्ट कर सकती है, तो बस वो प्रोग्राम में कही है, एक दफ़ा रिपीट हो जाएगी, दैट्स इट. अब उसकी क्लिप निकल आती है, वो ट्विटर पर चली जाती है, वो फेसबुक पर चली जाती है, फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाती है, फिर वो वायरल हो जाती है. सो प्रॉबेबली वो जो हाइप है अब ज़्यादा नज़र आता है, वो इसलिए. वरना तो इट वुड नॉट बी राइट टू से कि उस टाइम पर इतने लोग नहीं थे, बिकॉज मेहर बुखारी साहिबा को मैंने देखा, शी वॉज देयर, फरिया इदरीस वॉज देयर, आसमा चौधरी, आसमा शिराजी, नसीम ज़हरा, मारिया मेमन, यू नेम इट, जो भी फीमेल एंकर्स अभी प्रोमिनेंटली इस वक्त भी फील्ड में काम कर रही हैं, वो सारी थी. नहीं, बट व्हाट आई मीन इज दैट, यू नो, यू वुड हियर अबाउट द चैनल्स एंड यू वुड ऑटोमेटिकली थिंक ऑफ, यू नो, मेल न्यूज एंकर्स. एट दैट टाइम ब्रेकिंग इनटू दिस इंडस्ट्री वाज अ स्ट्रगल ऑन इट्स ओन. सो दैट्स व्हाट आई मीन, के व्हेन यू एंटर्ड दिस फील्ड, व्हाट वर योर थॉट्स, व्हाट वर योर पर्सपेक्टिव्स रिगार्डिंग द होल सिचुएशन? कि आपको, आपके लिए आसानी, मतलब वाज इट इजी फॉर यू टू कम इनटू दिस फील्ड और वाज इट अ लिटिल डिफिकल्ट? डिड यू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस? या देखिए, चैलेंजेस हर जगह पे होते हैं, बट जहाँ पर एंट्री की बात है, ऑफ एंटरिंग द सिस्टम, वो मेरे लिए, मैंने आपको बताया, वो इट वाज वेरी स्मूथ, वो आसान भी था, वो अनएक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि मैंने उसके लिए स्ट्रगल नहीं किया था, मैंने कभी सोचा नहीं था, तो मुझे तो बहुत ही आसान लगता है. आपको वो चीज मुश्किल लगती है कि जिसके लिए आप स्ट्राइव करें, आपको वो दूर जाती हुई लगे, आपको कोई मेहनत करके उसको हासिल करना पड़े, देन यू गेट इन टू दैट फेज ऑफ माइंड कि यार ये मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया. मेरे लिए मैंने वो फेज नहीं देखा है, अल्लाह का शुक्र है. इट वॉज, आई डोंट नो, मेंट टू बी फॉर मी, आई जस्ट गॉट इन. हाँ, गेटिंग इन के बाद बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ें डेली शेयर करना पसंद करेंगी. देखो, एक तो काम की जो पेस है, विद द काइंड ऑफ बिजनेस वी आर इन, डिफरेंट टाइप ऑफ खबरें कमिंग इन ऑल द टाइम, देन देर आर पीपल जो किसी ना किसी चीज़ पर आपसे लीड ले रहे होते हैं, कोई खबर निकाल रहे होते हैं, कोई कॉन्टैक्ट लगा रहे होते हैं, कोई बड़ा इंटरव्यू पकड़ रहे होते हैं. स्टार्ट ऑफ द करियर, तो ये सारी स्ट्रगल्स है ना आपकी, कि मेरे साथ मेरे टाइम स्लॉट पे बैठे हुए बंदे ने अगर ये कर लिया है, तो वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकती.
So getting good people on the program, getting into high profile events, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी. And then initially मेरे लिए तो to start getting hang of the business also, because I used to be one of those girls जो बहुत ज़्यादा current affairs, politics, media follow नहीं करती थी. मुझे बहुत ज़्यादा चीजों का पता नहीं होता था और मुझे I actually had to struggle to cope up with it. कि ये पढ़ना है, about कितने अखबार पढ़ने हैं, history की किताबें पढ़नी है, ये चीज़ पढ़नी है, वहाँ से ये understand करना है, यहाँ से ये देखना है. तो मुझे अपनी learning के process को भी इस field के हिसाब से modify करना पड़ा, बल्कि initiate करना पड़ा initially. कि अगर मैंने ये करना है तो फिर मैंने अच्छे तरीके से करना है. अच्छा, फिर एक बैरियर बहुत बड़ा लैंग्वेज का था मेरा उस वक्त, कि वो नॉट दैट कि कोई कॉन्शियसली होता था, लेकिन क्योंकि एक स्कूल सिस्टम के अंदर थे. आई स्टार्टेड डूइंग माय प्रोग्राम राइट व्हेन आई वाज आउट ऑफ माय ए लेवल्स. मेरा रिजल्ट बाद में आया था, मैं ऑन एयर पहले हो गई थी. तो वो आप एक एनवायरनमेंट में होते हैं ना, एजुकेशनल एनवायरनमेंट में होते हैं, तो अंग्रेजी मुंह से निकलती थी. अब वो उर्दू का प्रोग्राम है, उर्दू बोलें. अच्छा, उतनी अच्छी उर्दू बोलनी उस टाइम पे लगता था कि फ्लो नहीं हो सकता. फिर मैंने ये किया कि अंग्रेजी अखबार छोड़कर कॉन्शियसली पहले उर्दू अखबार पढ़ना शुरू किया, जस्ट टू यू नो अपने आप को ट्यून करने, वोकैबुलरी बिल्ड करूं. अच्छा, फिर मैं जो वोकैबुलरी से याद आया कि जो लफ्ज होते थे मुझे लगता था कि नए हैं, या मैंने मतलब तो समझ लिया बट मुझे एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, मैं आई यूज टू राइट देम डाउन. फिर मैं किसी से पूछती थी, आई यूज टू लुक अप दोज वर्ड्स कि इनका क्या मतलब है. सो करते करते अब मैं उर्दू कॉलम भी लिख लेती हूँ. सो मतलब ये कि आई बिल्ट माई सेल्फ के नहीं, मैंने लैंग्वेज को भी बैरियर नहीं छोड़ना है. सो इनिशियली अगर पूछें तो हार्ड वर्क, स्ट्रगल सब करते हैं, मैंने भी बहुत किया है वो. फिर उसके बाद पीआर का बिजनेस है, यू नीड टू हैव योर कॉन्टैक्ट्स इन द राइट प्लेस. एंड सोशल स्किल्स आपकी बहुत मतलब ऑन पॉइंट होनी चाहिए. हालांकि आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन अदरवाइज, मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज भी नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा इवेंट्स गैदरिंग्स पे नहीं नजर आती, लेकिन ये कि स्टिल जिन लोगों के साथ आपने डील करना है हर रोज, उनके साथ आपका इतना तो एक लाइजॉन होना चाहिए कि आपकी एक टेक्स्ट पर, एक फ़ोन कॉल पर आपको कोई दो लोग रिस्पॉन्ड कर सकें. क्योंकि आपको कभी कभार खबर लेनी होती है, कभी कभार आई हुई खबर वेरीफाई करनी होती है, कभी कभार आपको उनमें से किसी बंदे को अपने प्रोग्राम में बुलाना होता है क्योंकि वो कोई सब्जेक्ट जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो उनसे रिलेटेड होता है. सो इन ऑल थ्री केसेज यू नीड टू हैव समबडी टू गेट इन टच विद जब आपको ज़रूरत पड़े, तो वो सारा कुछ आपको ओवर टाइम बिल्ड करना पड़ता है जो भी किया. Okay, well, all of that is very interesting, but mera khayal hai ki let's take a quick break and we'll come right back and we have a very interesting game for you all, so don't go anywhere. You guys are watching Sundown Evening Tea with me, Naila Shuja, and today's special mehman is Miss Yashfeen Jamal. Thank you so much. And we're going to play a quick game, okay? Of Never Have I Ever. So, आपका ये है racket. इसको हमने दोनों side, yes. Okay. So, Never Have I Ever got nervous on screen. You've not. No. No. Not even on your like first show. Alhamdulillah, no. Mashallah, mashallah. Okay. Never have I ever been trapped in an elevator. No. You've not? No. Okay. Alhamdulillah. Yes, I have been. Really? I was trapped in an elevator, and that was not the elevator. Yes, I have. I'm sorry. Okay, I forgot. And there was a guest with me, People's Party. He was a senator, I didn't name him. And he had a serious panic attack. Oh my God. Okay. Never have I ever eaten raw fish or sushi. No. You've not? I don't even intend to. It's I don't know. So hard. My husband keeps asking me the same question because he's a sushi lover, or man, no, I have not. I love sushi. I really? Yeah, I love sushi. Oh my goodness. No. Now I'm thinking about sushi. But yahan se nikal ke seedha go have sushi now. Seriously. Okay. Never have I ever crushed on a celebrity. You have to. No, you've never. Crushed on a celebrity. I mean, like Tom Cruise. अब इस तरह के तो चलो I have कर लेते बहुत सारे होते हैं. या कोई पाकिस्तानी actor है, you know, कोई हो. नहीं crushed, I don't know. आजकल का पूछ रही हूँ ये वैसे. वैसे you know from your you know teenage to now. I don't know हाँ. Fan would be the right word, but yes, okay. Okay. You're right. Can I know who it is? अब बहुत सारे वो तो. बताएँ ना दो तीन नाम तो बताएँ. एक तो आपने खुद ले लिया. Really? Tom Cruise. Obviously. Was it हमारे दौर में और कौन होता था? Was it after Top Gun? Yeah, obviously. मतलब Top Gun किसने नहीं देखी और कितनी दफा नहीं देखी, गिनी भी नहीं होगी. और बहुत सारे हैं. अच्छा, never have I ever messed up on my show.
messed up ka matlab. Like matlab fumble kar liya ho, ya said something that that you weren't supposed to say. Yeah. Toh khair bahut dafa ho jata, but then you cover it up. Yeah, you cover it up. Haan. Okay. I think you also have an added advantage ki aap bahut quickly bolti hain. Haan. So you can just cover it up very quickly. Nahi nahi, kabhi kabhi to bayan de ke bayan withdraw karna padta hai. Really? Haan, ho jata. Oh my goodness. Happens. Acha. Never have I ever forged my parents' signature for a field trip. Field trip? Like, no. कोई भी activity हो. Not a field trip, forced तो बहुत दफा, लेकिन really? With consent के वो करना है, वो नहीं अच्छा खुद ही करना अच्छा, type, okay. But no, not for a field trip. Okay, never have I ever gotten a ticket. ये जो driving ticket? हाँ जी. Actually no. You've not? No. Okay, that's really good. And yeah. You follow the rules? Try to. But पता नहीं जब कभी बच जाते हैं या क्या होता है, but no, I have not. Okay, never have I ever use the wrong name or said the wrong name on your show, on my show. Multiple times? No, yeah, not multiple times, but a couple of times. Really? Yes. I actually, I'm bad with this. मेरे सामने कोई superstar लाके बिठा दें, तो on air जाके ये पूरा potential है मेरे अंदर कि मैं blank हो सकती हूँ उसके नाम के लिए. And this happened with me once. बड़े prominent singer हैं, फाखिर साहब. He was on my program. और मैंने इंट्रोडक्शन देना शुरू किया और देते देते अच्छा अभी तक उसके बाद मैंने ये आदत बना ली है कि मैं कुछ लिखूँ ना लिखूँ नाम बड़े बड़े लिख के रखती हूँ चाहे कोई भी हो. जब मैंने बोलना शुरू किया और मुझे हुआ कि अब आई शुड से कि मेरे साथ कौन है तो उनका नाम स्किप मैं भूल गया ब्लैंक हो गई मैं अब मैं उनको देख रही हूँ कि ये कौन है नाम क्या है नाम क्या है. अच्छा उसी चक्कर में इंट्रो लंबा कर रही हूँ प्रोड्यूसर ने दो दफ़ा कहा गेस्ट पर आ जाएँ और मैं उसको कि नहीं याद आ रहा नाम. अच्छा एक पॉइंट पर व्हेन ही गॉट इरिटेटेड तो ही सेड कि फाखर पर आ जाए. जब मैं फाखर पर आ गया थैंक गॉड मैं कहती हमारे साथ फाखर है. और दैट डे आई रियलाइज कि ये जब मैं फ्लो में बोलना शुरू करती हूँ तो ये पोटेंशियल मेरे में है कि मैं भूल सकती हूँ कि मेरे सामने कौन बैठा है. सो आई मेक श्योर कि मैं ना अच्छा नाम लिख के बैठ. नेवर हैव आई एवर हैड अ क्रेजी फैन. Crazy like, fan? Yeah, like what social is the media. Definition of a crazy fan? I mean fan? Like someone who, you know, showed up to your workplace or, you know, stalked you on social media. Social or... media stalking to roz hoti hai. Really? Haan, do teen abhi bhi aise hastiyan hain. But yeah, no, alhamdulillah, not on my workplace. Wo shukr hai Allah ka kabhi nahi hua. But social media pe to. So like, how do you handle them on social media? I don't want to block people, but when it goes beyond a certain point, then you have to. Because with one person, abhi recent incident hai, ke wo pehle Facebook Messenger, phir Facebook Wall, halaki meri privacy settings, I failed to understand ke wo kaise wahan tak, phir uske baad Twitter Wall, timeline, phir Twitter DM, uske baad that person actually got hold of my number. And then he started on WhatsApp, toh phir aakhri hal yeh reh jata tha ke I had to block. Oh my goodness, I'm so sorry you had to go through that. होता है ये तो I think it happens in routine. People, yeah. I don't know कि intention क्या है. मैं उस पर judge नहीं करूँगी किसी को. But somewhere down the road they forget कि कोई privacy भी है अगले बंदे की. अगले बंदे का कोई अपना peace of mind भी है. अपनी एक personality भी है. Maybe possible नहीं होगा उस level पर interact करना. So people don't really put those things in the right place. तो ये होता है happens. अच्छा, I'm sorry for asking you this, but I really want to know. But please. Never have I ever gotten someone fired. Fired. Yeah, like for not, you know, reaching the standards of your show. Only once. Yeah. Okay. Do you like to share that experience? Yeah. No. No. Actually, अच्छा जहाँ पर replacement तो एक दो दफा कराई है. मतलब I did not get the person fired or out of the organization, but I got another person for myself and sent the other person in some other department. वो तो एक दो दफा हुआ producers के case में क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं दिस इज़ नॉट रेडियो दिस इज़ नॉट न्यूज़पेपर दिस इज़ अ ब्रॉडकास्ट मीडियम. आपकी जहाँ पर सारी चीज़ें मैटर करती हैं वहाँ पर जब आप स्क्रीन पर इन होते हैं ना ऑन एयर जाते हैं तो पहली चीज़ आपकी प्रेजेंटेशन है. द वे यू लुक द वे योर प्रोग्राम लुक्स द कलर्स दैट यू स्प्रेड ऑन स्क्रीन आपकी ग्राफिक्स कैसी जा रही हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं. सो आपकी प्रेजेंटेशन को आप रूल आउट नहीं कर सकते. अगर वहाँ पर मेरी कोशिश होती है वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और अगर किसी को मैं वो बात ना अंडरस्टैंड करा सकूं कि मैं क्या चाहती हूँ या वो उसको ना कॉम्प्रिहेंड कर सके देन आई डू पुट माय फुट डाउन. और रिसेंटली जो फायरिंग था वो देयर वाज अ मेकअप पर्सन दैट आई हैड टू गेट रिमूव्ड फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस. एक तो ये कि देखें अब 10-12 साल हो गए हैं काम करते हुए. आई डू अंडरस्टैंड माई फेस लिटल बेटर देन एनीबडी एल्स. तो अगर कोई मॉडिफिकेशन मैं बता रही हूँ तो अदर पर्सन इज सपोज टू पिक इट अप. वो भी नहीं है. आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई हेयर. अच्छा जो सबसे बड़ा रीजन आखिर में बना फायर करने का वो ये भी नहीं था वो एटीट्यूड था कि इफ आई हैव टू गो ऑन एन आउटडोर शूट तो द पर्सन वुड रिफ्यूज कि मैंने नहीं जाना. सो या
that one incident only. But. So them not being able to comply with what was needed. Yeah, in that them. Case also, I did not particularly say that I want to get this person fired. I only complained and I gave the entire situation. Notified to, the correct people. Yeah, that I this told person them. Is not doing their job. I just told them that this situation. Now, you see what to do. All right. So my next never have I ever is challenged people to think outside of the box. Like in your show, you know, with your perspectives and your opinions, you've never challenged your audience to think outside. Try to. I think we try to do that on a daily basis. हम जब बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो कोशिश यही होती है कि एक different angle इस चीज का निकालें. अब वो कितना challenge करने में कामयाब होते हैं, that's a question. That's but we try. Okay. We try. And my last never have I ever is challenged the people's opinions about being an anchor. I mean, in terms of, you know, how what perceptions people have regard, you know, about an anchor in terms of their dressing, in terms of their personality, in terms of their show and their ethics and whatever. Every day. That's a struggle. और मेरे ख्याल है ongoing struggle. वो खत्म भी नहीं होनी है. Unfortunately, but बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अच्छा बेहतर हो रही हैं. I don't say कि बिल्कुल improvement नहीं है, लेकिन फिर भी. It's a struggle. It's a continuous struggle. Haan, never ending. Hai. Okay. Well, that was our little segment of Never Have I Ever, and I hope it you guys enjoyed it. I enjoyed it. You enjoyed it. Yeah, okay. Well, I'm glad you enjoyed it. Okay. So let's go back to discussing, you know, being a female in this profession, and I think hamari chai aa gayi hai. I'm super excited. Oh my goodness. Finally. Okay, so my question was basically that what is the advice that you would give to, you know, aspiring female anchors or, you know, political talk show hosts? What kind of mindset should they have? Yeah, unki kya, what should they be prepared for, basically, when they're coming into this field? It's not glamour only. Pehli baat to ye hai. Kyunki when aap bhi screen pe baithi hai, main bhi screen pe baithi hu, there's a certain get-up we are in. Which is a requirement again. Camera requirement bhi hai. Otherwise bhi requirement hai. Jo maine pehle baat ki ke, kyunki ye broadcast medium hai, presentation matters. Mera khayal hai 50% le jata hai aapka har cheez ka. But then it is not just this. To agar aap sirf us glamour ki wajah se aa rahe hai, so bear in mind ke bahut jaan marni padti hai. You need to know ke aapke koi working hours nahi hai. That's true. Ko ke acha phir uske baad fixed working hour lamba bhi ho तो भी उसके साथ गुजारा हो जाता है बिकॉज़ आप अपनी रूटीन एडजस्ट कर लेते हैं. फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर क्या आप घर पे सोए हुए हैं एंड यू फिगर आउट कि कुछ हो गया है. मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी से याद आ गई कि आई वाज स्लीपिंग एट होम. छुट्टी थी मेरी, मेरा प्रोग्राम नहीं था उस दिन. एंड जब प्रोग्राम नहीं था तो आई वॉज नॉट बॉदर्ड कि ठीक है क्या ऐसा होने लगा है. कोई ऐसी पोलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं हो रही थी तो आई जस्ट थॉट कि ठीक है भाई छुट्टी है, छुट्टी एंजॉय करते हैं. आई वॉज स्लीपिंग, फ़ोन वाइब्रेशन पर था. पता नहीं कोई कितनी ही कॉल्स थी जो मेरे फ़ोन पर अनकम्फर्टेबल मिस हुई हुई थी ऑफिस से. मैं काफ़ी देर बजता रहा तो वो बुज़ उसकी जो वो है उससे मेरी जब थोड़ा सा मैं वो हुई तो ऐसे फ़ोन बज रहा है. मैंने फ़ोन देखा, मैंने फ़ोन उठाया तो माय प्रोड्यूसर वाज ऑन द अदर एंड स्क्रीमिंग हिज लंग्स आउट, किधर है आप, मैं आपको सुबह से. मैंने कहा क्या हो गया शायद साहब, रिलैक्स, मतलब क्या हुआ. तो मुझे कहते हैं उठे आप, मैंने गाड़ी भेज दी आपको पिक करने के लिए आ रही है. मैंने कहा क्यों, मैंने क्यों आना है, आपको पता भी है हुआ क्या है. मैंने कहा क्या हुआ है, तो कहते हैं उसामा बिन लादेन मारा गया. I said, तो मैं क्या करूँ. मैं क्या करूँ, मैं कहता है यशफीन वो एप्टर बाद में था मेरे, तो मतलब चलाक भाई में से. मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं. तो मुझे कहते हैं कि तो सुबह से तुम्हें फ़ोन करें, ट्रांसमिशन करिए, फॉर हेवन सेक उतरो घर से बाहर निकलो, गाड़ी दो मिनट में पहुँच रही है, गेट अप एंड गेट स्टूडियो नाउ. ओह, मतलब उसके बाद मुझे दौड़ थी मेरी, वो दौड़ मुझे भूलती नहीं है कि कपड़े उठा रही हूँ, क्या पहनना है, क्या लेके जाना है, क्या करना है. सो ये होता है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप सो रहे हैं तो उस वक्त भी ये मार्जिन रख के सोएं कि आपको कोई किसी भी काम के लिए उठा सकता है. एंड यू कैन हैव टू जस्ट रन. मेरे साथ एग्जैक्टली ये तब भी हुआ था जब हमें याद है पिछले टेन्योर में नरेंद्र मोदी साहब सरप्राइज लैंडिंग कर गए थे. अच्छा इत्तेफाकन में वैसे आई वॉज ऑन माई वे टू वर्क एट दैट टाइम. कोई मेकअप नहीं था, बाल नहीं बने हुए थे, कुछ भी नहीं था. आई हैड मेरी एक अपनी रिकॉर्डिंग थी उस टाइम पे जिस टाइम पे वो मौसूफ यहाँ पे आके उतर गए. अब वो PTV में थी, मालिक साहब MD थे. मालिक साहब ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी कि मुझे कोई एंकर चाहिए ट्रांसमिशन करने है. मैंने कहा किस पे? अच्छा वो उस वक्त खबर मुझे भी नहीं पता थी, मैं ड्राइव कर रही थी, आई वाज ऑन द रोड. तो मुझे फ़ोन आया कि जी वो MD ऑफिस से कि MD साहब बात करना चाहते हैं. तो मैंने कहा पता है खैरियत है. मैंने फ़ोन उठाया, किधर हो तुम? मैंने कहा सर वो मैं रास्ते में हूँ, ऑफिस जा रही हूँ. तो अच्छा दोपहर का टाइम था, मैं नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं करती, उस दिन भी किसी मेहमान की वजह से मैंने रिकॉर्डिंग रखी हुई थी. तो मुझे कहते हैं तुमने लाइव ट्रांसमिशन करी है. मैंने कहा सर मेरी 2 बजे रिकॉर्डिंग है, मैं कैसे लाइव ट्रांस.
कहते हैं फॉरगेट अबाउट द रिकॉर्डिंग, तुम्हें पता है नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू लैंड इन लाहौर इन द नेक्स्ट 40 मिनट्स। आई सेड व्हाट, मेकअप वो क्या करने आ रहा है? कहते जाके मेकअप कराओ ना, तुम्हें बाद में बताता हूँ क्या करने आ रहा है। कि मतलब मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन था कि भाई व्हाई वुड ही बी कमिंग, व्हाई इज ही कमिंग। सो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने आई थिंक आई हैड टू गो समवेयर, तो मैंने वो रिकॉर्डिंग रखी थी। मैंने 40 मिनट का अपना वर्क प्लान किया था कि मैं जाऊंगी आधा घंटा मेकअप का, 40 मिनट प्रोग्राम का, एंड देन आई विल बी बैक होम। मैं मेरा ख्याल है 2 बजे ऑन एयर हुई थी और मैं रात को 12 बजे तक ऑन एयर थी। उसके बाद वो घर वाले गए जहाँ जाना था, जो करना था, बट आई कुडंट गेट टाइम आफ्टर दैट बिकॉज आई हैड माई ओन प्रोग्राम, आई हैड टू टेक इट डाउन टू द लाइव शो। लाइव के बाद भी उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन कंटिन्यू रखें। सो दिस इज वॉट हैपन्स, आपको यू नेवर नो के वॉट अगले मिनट कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता अच्छा या अल्लाह करे कुछ अच्छा बुरा हो सकता है कि आपको भागना पड़ सकता है। एंड यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन योर टिपटोज, एंड मतलब आप कैमरे पे नहीं दिखा सकते कि क्या परेशानी है। यू हैव टू लीव यू नो फैमिली प्रेशर्स और वर्क प्रेशर्स यू नो आउटसाइड ऑफ द यू नो सेटिंग, एंड यू एज सून एज यू आर ऑन स्क्रीन देयर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सोना दैट यू आर, एंड दैट्स ट्रू। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड यू नो पुश फ्रॉम इनसाइड। बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, छोटे बच्चों के साथ, बच्चा बीमार है, आप स्ट्रेस में हैं। Yeah. We have to leave that stress behind. बेशक मैं कभी इस तरह की सिचुएशन हो तो बिल्कुल लास्ट मिनट ऑफिस चली जाऊँ, ठीक है, लेकिन वो जो एक घंटा मैंने स्टूडियो में गुजारना है, मेरे जहन में वो चीज़ चाह के भी नहीं निकाली जा सकती कि माय किड इज नॉट वेल, बट वो मैं स्क्रीन पे शो नहीं कर सकती। सो यस, ये प्रेशर्स बहुत सारे हैं, आपके वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, इट्स नॉट ग्लैमर ओनली, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है, आपको वही जैसे मैं पहले कह रही थी बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती है, उसके बगैर आप बात नहीं कर सकते। सो इट बहुत हैपनिंग जॉब है, ये भी मैं ज़रूर कहूँगी, बहुत इंटरेस्टिंग काम है, एक ऐसा काम है कि जहाँ पर आपको लगता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट इज एक्चुअली गोइंग डाउन इन हिस्ट्री, बट इट इज़ टफ। It's very tough. And okay, so my next question is regarding how, what is your perspective regarding how males and females are treated within this industry regarding the expectations? Jaise aapne bhi baat ki thi makeup ke hawale se, it is all about presence, you know, like your physical appearance. So do you feel that, you know, men are able to get away with a lot more as compared to women? Because, you know, I mean, like, it's so minuscule, but even our makeup, if it's not on point, will have, you know, people who are going to be criticizing it. While if, you know, a male is sitting here, his powder is not on point, ya unko powder sahi nahi kiya hua, it's no one's going to take it into consideration. Acha, meri iske par mera zati khayal ye hai, jo jitna mera work experience hai, usi ki buniyad par baat kar sakti hu ki if you are not on point in terms of what you look like, I think the viewers are the ones who judge you. Yeah, exactly. Not the people in the industry. मुझे ये, मैंने कभी पर्सनली, मेरा ये ख्याल है कि ये प्रेशर इस इंडस्ट्री में नहीं है। मतलब जाहिर है एक बेसिक अपीयरेंस तो हर कोई चाहता है कि आप मेंटेन करें, वो तो मेरा ख्याल है मेल्स के लिए भी है कि आप और कुछ नहीं तो अपनी टाइट जगह पे लगाएं, प्रॉपर लगाएं, सूट पहने, चाय नहीं ले रहे हैं, मैं ले रही हूँ चाय, वो सूट पहने, प्रॉपर ड्रेसअप हो, मतलब वो चीज़ें तो उनके लिए भी रिक्वायरमेंट है, तो हमारी भी जाहिर है डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन वो कोई प्रेशर नहीं है। Okay. मतलब I would not get flack from my boss for not. No. I didn't mean from your boss. I meant from your audience. नहीं, audience से तो है. Because I mean, I feel that being a female anchor person or a political talk show host or any kind of host that's on, you know, screen, we have a specific standard or, you know, set of procedures that we have to maintain. While I feel like, you know, our male counterparts get away with a lot more. That is true, but then again, जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ की अपनी, हर जॉब की, हर इंडिविजुअल की, मेल फीमेल अगेन, एक डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, तो लेकिन दैट इज़ ट्रू, ऑडियंस है तो आप जज भी होते हैं, आप नोटिस होते हैं। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो मैंने सोशल मीडिया की भी बात की, आप अपनी एक क्लिप डालें, आपके मेकअप में क्या चीज़ गलत थी, आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं थी, बुरी थी, आपके बाल खराब हो रहे थे, आपको 2-4 कमेंट्स पहले में ही पता लग जाएगा कि where did you go wrong? वो ऑब्जर्वेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा है, और अब इंटरेस्टिंग ये हो गया कि आप फीडबैक का मैकेनिज्म भी एग्जिस्ट करता है, आप फौरन वापस आते हैं। आपने बात कर ली है कि सोशल मीडिया की, हां, सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। यू आर ऑन ट्विटर, यू आर ऑन फेसबुक, एंड हाउ डू यू हैंडल ट्विटर बेसिकली? आई मीन बिकॉज as an anchor you have to be updated with the latest information, aapko disseminate bhi karna hota hai, so are there specific, you know, sets of standard SOPs that you have to follow? No, that is theek hai, I am an anchor person, meri jo cheez main wahan pe kehti hu obviously it has koi impact bhi uska hota hi hoga, but I, that's my personal space, I believe, All right. And I do express political opinions on that, main to, I try to be active on Twitter also. सो लेकिन इन टर्म्स ऑफ दैट कि वो वहाँ पे क्या कहना है क्या नहीं कहना, वो वही SOP है जो मेरा अपना SOP है, जो मैं चाहती हूँ कि, मतलब
मैं इससे ज़्यादा ना कहूँ फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, कुछ भी हो सकता है, या इस टॉपिक पर मैं बात ना करूँ, या इस पर मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए. तो आई थिंक आई डिसाइड दैट फॉर माई सेल्फ एंड आई डोंट टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दैट ऑल्सो. ऑलराइट, सो जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, व्हेन यू गो टू योर चिल्ड्रंस पेरेंट टीचर मीटिंग, सो डज एनी ऑफ द टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स यू नो रिकॉग्नाइज यू, आर दे स्टारस्ट्रक? स्टार स्ट्रक तो मैं नहीं कहूँगी, बट या पीपल डू नो कि ये है, बिकॉज व्हेन आई वेंट, मैं एडमिशन के लिए गई थी अपनी बेटी की, तो आई डिड नॉट रियलाइज के वो दे डिड प्लेस मी, बट व्हेन आई वाज लीविंग दैट प्लेस तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा उस टाइम पे, सो दे गेट दे नो. बट विद हर स्कूल, बेटी जा रही है अभी तो मेरी स्कूल, तो आप तो वही बात है, जब बच्चे तीन साल स्कूल चले गए हुए हों तो एक वैसे एक वो एक ग्रुप बन जाता है वहाँ पे, तो अब सबसे दोस्ती है, सो इट्स नॉट लाइक मतलब कोई मीडिया वाली हूँ या समथिंग लाइक दैट, इट्स नॉट दैट एनी मोर. So, are there any upcoming projects that you might be working on, or what's the next step for you, basically? Next step, to yehi hai ki jo kar rahe hai, usko behtar kare. I write occasionally. I really want to be regular at writing. To main ye meri har dafa ki resolution hoti hai ki main is saal जो है वो रेगुलर कॉलम लिखूंगी हफ्ते का एक, लेकिन देन समवेयर डाउन द वो कहीं चला जाता है. मैं तीन चार लिखती हूँ बड़े एंथुसियाज्म के साथ. आप ये भी कर सकते हैं कि आप मंथली गोल्स रख सकते हैं बजाय कि आप साल के पूरा एक गोल रखें. हाँ, महीने में एक आर्टिकल अगर मैं जैसे लिखना चाहूँ तो शायद मैं लिख ही डालूँ. आई थिंक दैट्स मोर यू नो फीजिबल. शॉर्ट टर्म गोल्स आर इजियर टू अचीव देन लॉन्ग टर्म गोल्स. हाँ, यू आर राइट वैसे भी, बट ये है कि आई रियली वॉन्ट टू बी अ रेगुलर एट राइटिंग, जो मैं अभी नहीं कर रही हूँ. और थोड़ा सा आजकल वेब मीडिया का बहुत क्रेज़ है, तो आई रियली वांट टू गेट इनटू दैट आल्सो. सो आई हैव एक्चुअली, मैंने एक यूट्यूब का अपना वो स्टार्ट किया है, बट अभी मैं उसमें बहुत एक्टिव नहीं हूँ. सो आई वुड लाइक टू गेट एक्टिव. ऑलराइट, तो आपका भी यूट्यूब चैनल है, वो किस नाम से? द राउंड अप के नाम से. आई एम सॉरी, द राउंड अप. द राउंड अप. ऑलराइट, सो इफ यू आर ऑन यूट्यूब, चेक आउट मिस याश्वीन जमाल एट youtube.com/theroundup. So be sure to follow. Yeah. Abhi tak to filhal I'm just I just upload my analysis on certain interesting events that go on, but I would like to expand that. That would be wonderful. I can't wait to check it out when I go. Now, please do. I will for sure, and I'll share it with all of my friends as well. Please do. So with reference to, you know, just your overall career, do you think that you have achieved the goals that you have set out for yourself? Yeah, abhi कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपने अचीव करनी है. नहीं, अगर आप ये समझ लें कभी कि आपने सब अचीव कर लिया, देन द यू नो द विल टू वर्क और स्ट्रगल करने की जो एक पावर होती है वो तो फिर खत्म हो जाए ना. सो यू कैन मतलब उस फ्रेम ऑफ माइंड में वैसे आई भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए कि आप ये समझ लें कि मैंने सब अचीव कर लिया. सो देयर इज अ लॉट मोर टू अचीव, अ लॉट मोर टू डू. इट्स अ वेरी वास्ट, वेरी डाइवर्स, अ वेरी वर्सटाइल फील्ड, अ लॉट मोर टू डू आई थिंक. And okay, so I think let's just sum it up. And thank you so much for coming and joining me for evening tea. Thank you so much tea. For having me. It was a wonderful time. The food was lovely. Loved talking to you. Thank also. You, thank you. मुझे बहुत मजा आया. बहुत कुछ आपसे सीखा है. And I think आज आपकी recording भी है. Live program. Sorry, हमारा show recorded है इसलिए मेरे मुंह से recording निकल गया. But so you can catch her on News Talk on Neo TV. And just, you know, keep in touch on her YouTube page at youtube.com. The Roundup. And on her Twitter page. So thank you guys so much for watching. And a huge thank you to Tangelos for providing us with some delicious cup of tea and their Chinese fried rice, as well as their black pepper chicken. Bahut maza hai, bahut acha khana hai. So if you guys want to indulge, come on over to Tangelos and feel free to follow us on our social media pages at city2.tv. And thank you so much for watching. I'll see you guys next time. Allah Hafiz.